और अब बात थाने के हिट एंड रन मामले की करेंगे। गर्लफ्रेंड पर कार चढ़ाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। अश्वजीत के पिता अनिल गायकवाड़ महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के MD हैं। घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार थे। मीडिया में जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। पहले SIT का गठन हुआ और चंद घंटे बाद गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को कुचलकर मारने की कोशिश के आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाने के DCP की अगुवाई में बनी SIT ने अश्वजीत गायकवाड़ और उनके दो साथी रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को गिरफ्तार कर लिया। थाने पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी से प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश हुई उसे भी जब्त कर लिया गया है। ये ऑफेंस में अभी तक तीन आरोपी को अटक की, अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेट्टी, ऐसे तीन आरोपी को अभी गिरफ्तार। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। अभी फिलहाल दो फोर व्हीलर हमने जब्त किए, इसका आगे का तपास शुरू। कथित वारदात 11 दिसंबर की है। पीड़िता प्रिया सिंह के मुताबिक अश्वजीत गायकवाड़ के साथ वो रिलेशनशिप में थी। अश्वजीत ने उनसे शादी का वादा किया था। वारदात वाली रात अश्वजीत को उन्होंने उनकी पत्नी के साथ देख लिया था। प्रिया के मुताबिक इसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान अश्वजीत गायकवाड़ और उसके तीन दोस्त रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। उसने इंटेंशनली मुंडन में मुझे मारने की कोशिश की है, और अगर इंटेंशनली नहीं होता तो मुझे मार के छोड़ के चले क्यों जाते? तुरंत झगड़ा झगड़ा अपनी जगह होता है, उठा के लेके तो गया होता ना। मैं 6 दिन से पड़ी है, मेरे राइट लेग में रॉड है, मेरी बोन्स ब्रेक हुई है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का शोल्डर टू अब तक बॉडी मूव ही हो रहा है, मुझे मेंटली ट्रॉमा हो रहा है। अश्वजीत के पिता अनिल कुमार गायकवाड़ महाराष्ट्र में MSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आरोपी अश्वजीत खुद भी BJP युवा मोर्चा के ठाणे डिवीजन का अध्यक्ष है, लिहाजा ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में नरमी का आरोप लगा। देखो किसके पिताजी कितने बड़े हैं, कौन है, ये जो लॉ रहता है वो सबके लिए समान रहता है। बड़े बाप का बेटा तो उसको अलग और छोटे बाप का बेटा उसको अलग, ऐसा नहीं रहता है, सबको सामान्य। अगर वो नहीं मिल रहा इसलिए मैं आया हूँ, नहीं मिला तो उसके लिए हम शिवसेना आवाज उठाएंगे। कल शिवसेना उद्धव धड़े के नेता अंबादास दानवे अस्पताल में प्रिया का हाल जानने पहुंचे और इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इसी बीच आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ के परिवार की तरफ से भी सफाई सामने आई है। गायकवाड़ परिवार ने प्रिया पर ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैपिंग जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। थाने से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।